सब अच्छे होंगे। आज हम टिक स्कूटर की आपके सामने फुल फिटिंग करने वाले हैं, यानी कि असेंबलिंग करने वाले हैं। इस वीडियो के आधार पे आप घर बैठे अपना टिक स्कूटर फिट कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, वीडियो के लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। चलते हैं आपका टीम की टाइम ना ज़्यादा लेते हुए चलते हैं टिक स्कूटर के पास। आधार पे आप घर बैठे भी टिक स्कूटर फिट कर सकते हैं। काफी नॉलेजदार वीडियो है दोस्तों, बिल्कुल भी इसके मत ना, पूरी वीडियो देखना ध्यान से। चलते हैं वीडियो के साथ। ये देखो ओलवेन ब्रांड का टिक स्कूटर है, ये 100 नंबर है, इसमें 150 आता है, 200 आता है, उस हिसाब से रेट बढ़ते चले जाएंगे। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की बात। अनबॉक्सिंग में आपको इसमें यहाँ से नहीं खोलना है, यहाँ से खोलना है और ये एमआरपी की बात करो उसकी, इंडियन ब्रांड की एमआरपी है, ये देख सकते हो आप एमआरपी ये 3090 रुपीज। उसके बाद हम इसको पूरा खोल के दिखाते हैं किस तरीके से फिट होता है, और वीडियो में आखिर तक बने रहना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। ये निकल चुका है टिक स्कूटर, कलर काफी अच्छा है, ग्रीन न्यून कलर है इसके अंदर। ये बच्चों के कलर यानी किड्स कलर है, किड्स कलर हमेशा आपको कलरफुल मिलेगा, और इसको आपको कैसे फिट करना है दोस्तों, ये हमने निकाला है बॉक्स के अंदर से। सबसे पहले इसका होगा कि हमें इस डंडे को अप करना है, यानी कि स्लॉट को आप देख सकते हो, एक इधर लॉक है, लॉक को आपको बाहर खींचना है यानी कि अप करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो एक बटन होगा, ये जो बटन दिख रहा है आपको, इसको इस खांचे में से आपको बाहर खींचना, वो इसके कनेक्ट होगा। इसको ऐसे करके आप बाहर खींचते हो और ऐसे हाथ रखकर दूसरे उसको बाहर की साइड कर सकते हो, ताकि इस होल में फंस जाता है। उसके बाद हल्का सा नट टाइट करके, फुल अच्छे से नट टाइट करके, और ये वाला क्लिप आप देख रहे होंगे, ये वाला नट टाइट करने के बाद आपको ये ऊपर की साइड को बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर देना, ताकि ये हिले नहीं। दोस्तों ये अच्छी तरीके से फिट हो चुका है, अब ये रोड फिट हो गई। अब ये नेक्स्ट जो हम बारी करते हैं नेक्स्ट चीज़ आपका इसका हैंडल का जो आपका ग्रिप है, यानी कि जो हत्ता है, उसमें ये सिर्फ फिटिंग के लिए होता है, इसमें से निकाल लेना है। और ये इसके अंदर आप देख रहे होंगे, कैमरा घुमाओ इस तरीके से, देखो यहाँ पे आप दिख रहे हो, होल दिख रहा होगा, हमें ये हल्का सा दबा के और इसके अंदर लेना है, और इस होल में फंसा दीजिए। दोस्तों फंस चुका है, इसके अंदर हल्की सी प्ले रहेगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं, प्ले रहेगी आपकी। ऐसे दूसरा हैंडल आपका लेफ्ट साइड का भी आपको इसी तरीके से फंसाना है इस होल में। ये हैंडल फिट हो चुका है। उसके बाद करते हैं हैंडल का जो है आपका साइज, आप बढ़ा सकते हो, और इसके अंदर भी आपको एडजस्टिंग मिलेगी 1 2 3। आप इसको अंदर, इसको भी अगर आप ये हैंडल को ऊपर करते हो और इसके अंदर फंसाना, ये 1 स्टेप है। बच्चा अगर आपका ज़्यादा हाइट में, तो आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो हाइट, और ये फुल हाइट ये हो चुकी है। दोस्तों तो आप इसे कैसे फिट करना है, इसके कैसे फिटिंग है, ये अच्छी तरीके से ये वाला नट टाइट करने के बाद इस क्लिप को भी, इस लॉक को भी आपको पूरा ऐसे टाइट कर देना, ये लॉक हो चुका है। दोस्तों आपका किक स्कूटर तैयार हो चुका है, देख सकते हो किस तरीके से किक स्कूटर है, और इसको हम आपको चला के भी दिखा सकते हैं। तो ये इंडियन ब्रांड है, नो चाइना ब्रांड, और लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।